हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, और आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स भी बहुत खुश होंगे और वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। आज जो है हम बात करेंगे एक जो है कैंडल लैम्प की तरह, कैंडल की तरह यहाँ पे से एक कैंडल जैसा बनेगा, एक प्लास्टिक नहीं सॉरी ग्लास कंटेनर या बॉटल से हम आज बनाना सीखेंगे। और ये ना बेसिकली गांव का तरीका होता है। गांव में क्या है, ये मेरी मम्मी ने बताया, तो ये गांव में बेसिकली इसलिए यूज़ करते थे कि वहाँ लाइट तो होती नहीं थी पुराने ज़माने में, तो इस तरह की लैम्प्स बना बना के जलाते थे। अभी मैं सिखाऊंगा, ये बनी भी नहीं है, ये जस्ट एक जार है, इससे हम बनाएंगे। तो ये इससे हम बनाते हैं और जानते हैं कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, और देखना एंड में मैं दिखाऊंगा कितना सुंदर लगेगा। आप भी इसे घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, उस पर क्लिक कर लीजिए। उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरा हर वीडियो देख पाएँ, और उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताना आपको ये टेक्निक कैसी लगी। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल बेसिकली गार्डनिंग का है, प्लांट्स पे वीडियोस आते हैं, बट एक मैं घर पर ऐसी बना रहा था तो मैंने सोचा इस पे वीडियो डालते हैं, बट फ्यूचर में मैं जितने वीडियोस बनाऊंगा वो प्लांट्स पे आने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? चाहिए एक जार। ये जार पे मैंने पेंट कर लिया है, ये वैसे जैम बॉटल है। आप इसकी जगह कांच की, जैसे कोई कैसी कांच की प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नहीं लेनी है, वरना प्लास्टिक की बोतल जल जाएगी, फिर आप मुझे बोलेंगे कि आग लग गई भाई आपकी वजह से। और ऐसी बोतल या जार लेना है जिसका जो ये ढक्कन हो वो टिन का हो। ये देखिए टिन का है, ऐसा नहीं प्लास्टिक वाले हो, माजा और के ना ढक्कन टिन के नहीं प्लास्टिक के होते हैं, तो अगर आप वो ले लेंगे ना तो आग से वो जल जाएगा, इसलिए कांच की होनी चाहिए बॉटल। और जो ढक्कन है वो होना चाहिए टिन का। ये देखिए ये टिन का है, अलग से पता लग जाता है ये टिन का ढक्कन होता है। जैम बॉटल आप लें तो और भी अच्छा, वरना ऐसे जो बियर बॉटल्स टाइप की जो आती है ना बॉटल्स, वो भी आप ले सकते हैं। और आपने चाहिए देखिए क्या, एक रस्सी, बत्ती, मेनली ये बत्ती का वर्क करेगी जिस पे आग लगाएंगे हम, ये तेल को सोखेगी। और इसमें कभी भी कॉटन की घर पे बनी हुई बत्ती ना ले, क्योंकि उससे क्या होता है वो बहुत जल्दी जल जाएगी। इस तरह की रस्सी होती है ना जो, वो आप लें नाड़ा वगैरह, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका चलेगा। स्क्रू ड्राइवर और हैमर इसमें छेद करने के लिए, जो मैंने पहले से करा हुआ है। और आपने चाहिए ऑयल, वो तो बेसिकली चाहिए होगा, और मैचस्टिक जो हम बाद में यूज़ करेंगे, बट पहले भी सीखते हैं। इसको बनाना बहुत ईजी है, घर पर ट्राई ज़रूर करना। सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉटल, बॉटल पे आप कर सकते हैं पेंट, अदरवाइज अगर आप जो है क्लीन बॉटल लेते हैं उसके अंदर ऑयल रहता है तो वो भी काफ़ी सुंदर लगती है। बट मेरे क्या है, इसका स्टिकर जो है ना बॉटल का वो उतर नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलिए इस पर पे सीधा पेंट कर देते हैं। तो रेड पेंट कर दिया मैंने इस बॉटल पर, वरना बेसिकली एकदम ट्रांसपेरेंट थी। और ये देखिए इसके ऊपर मैंने जस्ट डेकोरेशन के लिए इस तरह दो रस्सियाँ बांध ली हैं। वैसे ये अंधेरे में हम रूम में रखेंगे तो सिर्फ इसकी फ्लेम दिखेगी, ये तो नहीं दिखेगा, बट दिन में जो अगर कोई देखे तो अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन करा है बस। और ये ढक्कन में आपने क्या करना है, जस्ट स्क्रू ड्राइवर लीजिए और आप यहाँ पे इस तरह से इसको रख के फिर इसके ऊपर हैमर का थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इसमें स्क्रू ड्राइवर घुस जाएगा, और फिर स्क्रू ड्राइवर को घुमा दीजिए तो ये इस तरह से जो इसका गोल छेद हो जाता है इस ढक्कन के अंदर, ये देखिए इस तरह से, और ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा और इसके अंदर इतना छेद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये बत्ती है फ्रेंड्स, इसकी ये कितनी लंबी लेनी है, जैसे मेरा जार है इतना, तो इसकी जस्ट डबल बत्ती लेनी है, शायद मेरे से थोड़ी सी लंबी होगी, है लंबी होगी तो अच्छा, और है तेल जल्दी एब्जॉर्ब करके आपको जलाते अभी जो लैम्प है वो देगी। तो अब हमें करना क्या है बेसिकली कि ये जो हमारे पास जो रस्सी है फ्रेंड्स, इसको हमें क्या करना है, इस ढक्कन के अंदर जो है इंसर्ट करना है। ये बत्ती नहीं है, रस्सी है, इसलिए ये देखिए आगे से थोड़ी सी ऐसे हो रही है। अब हम इसको करेंगे इसके अंदर इंसर्ट, ओके। तो ये इस तरह से इंसर्ट हो गई है, ये थोड़ी सी आगे से ऐसे हो रही है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ।
कोई बात नहीं, ये तो जलेगी तो अपने आप इसके पार्टिकल्स, आगे से थ्रेड लाइक निकल गए वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपने रखना है। और क्या करना है, इस बॉटल के अंदर जो है, अब हम क्या करेंगे, इस बत्ती को इस तरह से इसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब बेसिकली मैं इसका पहले आइडिया आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से बत्ती रहेगी, इसको थोड़ा सा हम अंदर और डालेंगे, अंदर रहेगा ऑयल और बत्ती जो है ऑयल को खींचेगी और आप यहाँ पे आग लगाएंगे तो वो जलेगी। मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ। इसमें पहले हम क्या करेंगे कि ऑयल भर लेंगे इस डब्बे के अंदर अच्छे से, मतलब आप पूरा भरना चाहें तो पूरा भर सकते हैं, वरना आप जैसे जैसे ख़त्म होता जाए ऑयल वैसे वैसे भी भर सकते हैं, जस्ट डेकोरेशन के लिए है। ये ऐसा नहीं कह रहा कि घर पे लाइट चली जाए तब यूज़ करें, तब भी कर सकते हैं, बट ये जस्ट ऐसे डेकोरेशन के लिए वगैरह। दिवाली पे मैं डालना चाहता था वीडियो, भूल गया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये तो या तो आप ऑयल लें या फिर कैरोसिन ले सकते हैं, कैरोसिन भी अच्छा काम कर देती है। ये देखिए, इस तरह से जो है अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, या फिर मैं सीधा डालें या ट्राई करता हूँ, शायद निकल जाएगा, इसलिए मैं चम्मच से ही डाल रहा हूँ। पूरे भर लेता हूँ फिर आपको शो करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो है ऑयल भर लिया इतना, और उसके अंदर बत्ती को जो है थोड़ी देर डिप करने के लिए छोड़ दिया ये पूरी तरह से, क्योंकि तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो जलेगी नहीं। इसको मैं डिप होने देता हूँ फिर दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ऑयल इसने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब हम मैंने इसको वापस से ढक्कन के इस साइड में डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस बत्ती को देखिए ऑयल मैंने भरा हुआ है, ऑयल के अंदर अच्छे से डिप करते हुए इसके ढक्कन को जो है हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, और क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पे जो है आग लगाएंगे। एक्चुअली मेरे ये इस तरह से इसको जो है ये देखिए, और इस बत्ती को यहाँ पे रख के ऐसे अब हम इसको कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस पे आग लगाने वाले हैं, और इसको मैं एक बार आग लगा देता हूँ क्योंकि अभी ये इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं है, इसलिए आग एकदम से पकड़ेगी नहीं। मैं जला के फिर दिखाता हूँ कितनी सुंदर जो है ये लगती है। तो ये देखिए, ये लैम्प हमारी इस तरह से बन गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और मतलब जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी सुंदर लैम्प बनी है। अब इसको देखिए, यहाँ पे इसने आग जो है अच्छे से पकड़ ली है, और अभी नीचे से तेल खींच खींच के जो है जलती रहेगी। थोड़े जलने से पहले थोड़ी देर काला धुआं छोड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी इसने तेल खींचना शुरू कर दिया है, तो अभी देखिए कि धुआं भी इसका काला बंद हो गया है, और कितनी फाइनली कितनी सुंदर जल रही है। और इसको आप अंधेरे रूम के अंदर रखिए, बहुत ही आपकी जो है प्यारी सी लैम्प बन जाएगी। अभी मैं इसको जो है एकदम डार्क रूम में आपको ले जाके जलाते हुए दिखाता हूँ फिर आपके साथ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है एक्चुअली अभी तो दिन है, तो सारी जगह क्या है ना कि रोशनी है, तो अभी मैं कहीं आपको अंधेरे में ले जाके नहीं दिखा सकता, किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। बट अभी आप ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और ये गार्डनिंग चैनल है फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो सारी गार्डनिंग की होगी, तो ये मत सोचना कि मैं सारी वीडियोज़ अब आर्ट पे डालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।